वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मानेंगे नहीं, जिस लहजे में ये चौपाई इनकी एक पूरे देश में वायरल हो रही है, ये सुनाते नहीं है कभी, हत्या आते नहीं। वो लहजा जो था ना लक्ष्मण यादव जी का, वो गजब है जो उन्होंने मंच पे बोला, जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई है। लक्ष्मण जी मान जाइए, आज वो वही से शुरुआत कर दी, सुना दीजिए लाइन, वो लाइन बड़ी अपील करने वाली है आपकी। अरे नहीं, अब वो कई बार होता है ना कि मैंने पिछली बार भी कहा था, वो जगह और थी, परिस्थितियां और थी। मैं तो बार बार मोदी जी को तो अपना आदर्श मानता हूँ ना, संसद में कुछ और तरीके से बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और, तो वो बदल जाता है तेवर। खैर, मतलब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात तो यही है जो, मतलब मुझे लग रहा है कि हमसे पहले वो एक गीत का एक मतलब है ना कि भाई, कलौर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, और हमसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने उनसे वाले। बेहतर तो सुनने वाले। हम लोग तो चूंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हम जानते हैं कि हम लोग न तो कोई नए हैं, न पहले हैं, न कोई बहुत 30 मार खां है। हमसे पहले बहुत लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमारे आसपास भी बहुत लोग हमसे ज्यादा मेहनत करके जोखिम उठा के लड़ रहे हैं और बाद में भी लड़ेंगे। तो ये हम लोग उसमें एक अपनी छोटी सी भूमिका देखते हैं कि जो बातें गांव में लोगों ने गालियों के रूप में सुनी, हमें दिल्ली में बोलने का मौका मिल गया, तो हमने उसको यहाँ याद दिला दिया कि भाई ऐसे ऐसे भी होता है इस समाज में। और कल ही मैंने ट्वीट किया कि मतलब पता नहीं, वो जातिवादी एक व्यक्ति था, वो ट्विटर पर अपने नाम के आगे सनातनी हिंदू करके लिखा हुआ था, और उसने, मैं चूंकि वो जान रहा है कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मुझे लिख रहा है कि ये आहिरों की बुद्धि 12 बजे खुली है, तो 12 बजे पहले का ट्वीट है, 12 बजे बाद का। तो मैंने फिर से उसे रीट्वीट किया, इसलिए नहीं कि मुझे वो बुरा लगा, इसलिए क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग जैसे अखिलेश यादव जी एकदम तमतमाए हुए हैं, और घटना कौन सी है, एक तो वो उनका घर धुलाने वाला, और दूसरा ये जो मंदिर में जब गए या कहीं किसी संत के यहाँ गए लखनऊ थे में लखनऊ में, और जो विरोध हुआ, और उस समय वो भीतर से एकदम निकल के आया कि ये बीजेपी वाले हमें वाकई क्या शूद्र मानते हैं क्या, ये हमें घर नहीं जाने देते। और तब वो अपना तेवर बदले कि हम ये सवाल पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि जरा आप वो चौपाई सुनाओ, और आप हमें क्या मानते हो ये बताओ। तो ये एक ऐसी चीज है जो समाज में बहुत बड़ा तबका, और मैं तो कई बार कहता हूँ ओबीसी समाज में हम लोग आते हैं, और ओबीसी जैसे क्या होता है ना, गरीब अलग अलग तरह की वंचना झेल रहा होता है। कोई लैंगिक आधार पर जब देखेंगे तो महिलाओं की वंचना इस सदी के इतिहास में सबसे अलग तरीके से दर्ज की जाती है, वैसे ही ओबीसी की अलग है, उससे ज्यादा ज्यादा पीड़ा मिलेगी आपको दलितों के यहाँ, उससे ज्यादा आदिवासियों के यहाँ, जितना आप पायदान पर नीचे चले जाएंगे आपको कई किस्म की वंचनाएं, तिरस्कार, उपहास, सब कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि हम लोग उसी को एक एक तरह से क्लेम कर रहे हैं कि भाई चलो बाकी सबका छोड़ दो, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है यह मुल्क, कम से कम अब तो एक बराबरी का रिश्ता बन जाए। केवल हमारी हमारी कोशिश, हमारी लड़ाई यही है, और एक एक वैचारिक भूमिका में या एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले पेशे में रहने वाले एक शख्स की भूमिका में मैं अपनी भूमिका केवल ये देखता हूँ, चाहे मैं उन गालियों वाले नारों का जिक्र करूं, चाहे वो अभी धनंजय जी जयदेव बाबू को याद कर रहे थे, वो बराबरी वाला नारा, लोहिया अम्बेडकर गांधी वाला, या तमाम वो नारे। तो मुझे लगता है एक बराबरी का समाज बने जिसमें ये लैंगिक विभेद खत्म हो जाए, यही भूमिका थी। बाकी आज जो बातचीत हो रही है, बस मुझे उस पर इतना ही कहना, क्योंकि मैं सुन रहा था, थोड़ा लेट में जुड़ पाया, बहुत सारे साथियों को सुना, मेरी जो बात है वो बहुत सारी पूर्व के वक्ताओं ने कह दी है। मुझे लगता है कि आपका टॉपिक बहुत दिलचस्प है, और मैं इसको इसलिए दिलचस्प मान रहा हूँ कि धर्म और जाति, और रविकांत जी ने शुरू में वो बात कही, मैं सुन रहा था उन्हें, असल में ये कोई नई बहस है ही नहीं, और ये बाइनरी भी नहीं है। इसी उत्तर भारत की राजनीति में पिछले 3-4 दशक में ओवरलैप करके ये राजनीति हुई है, कभी धर्म हावी हुआ, कभी जाति हावी हुई, कभी धर्म हावी हुआ, और इसमें कोई बचा नहीं है। धर्म की राजनीति करने में कांग्रेस और बीजेपी में भी कोई पीछे नहीं रहा, जाति की राजनीति करने में भी कांग्रेस बीजेपी ने पीछे नहीं रहा कोई, और क्षेत्रीय दल के लिहाज से सोचे तो सपा और बसपा ने भी बीच बीच में इन दोनों तरह की चीजों को खेला, काम किया। मुझे लगता है कि लेकिन 2023 में जब हम 24 के चुनाव के सामने बात कर रहे हैं, धर्म वाली बाइनरी ज्यादा बड़ी लकीर की तरह खींच दी गई है, और पिछले 8-9 साल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने धर्म वाली बाइनरी के साथ साथ जाति की भी, जात मतलब सामाजिक न्याय आज कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है भाई,
वो प्रधानमंत्री ओबीसी बिठा रखा और राष्ट्रपति को वो कहते हैं कि पहले दलित बना रखा था, अब वो आदिवासी, पहली महिला आदिवासी, 27 कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी, 12 दलित, तमाम जगहों पर उन्होंने सबको अधिकार दे रखा है। अब तो पसमांदा का खेल खेल रही है बीजेपी, आप कल्पना करिए, एक तरफ कैसे हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का बात और दूसरी तरफ पसमांदा बीजेपी, ये है एक बात। इसलिए चुनौती कई गुना ज्यादा बड़ी है उन तमाम विपक्षी दलों के सामने। आपके सामने धर्म के विमर्श की कोई काट नहीं है, आपके पास केवल एक काट है, वो हार्ड हिंदुत्व करेंगे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व करेंगे, लेकिन आप विरोध नहीं कर सकते। और कम से कम भारतीय राजनीति में फिलहाल वो पेरियार वाली लाइन हो या कांशीराम वाली लाइन हो, वो अभी नहीं कहीं दिख रही है। आपको वहां या तो चुप होना होगा या थोड़ा सॉफ्ट होना होगा। सॉफ्ट होकर के राहुल गांधी भी देख चुके हैं, सॉफ्ट होकर के अखिलेश यादव भी देख चुके हैं, सॉफ्ट होकर के मायावती भी देख चुकी है, और सबका हश्र सामने है। मुझे लग रहा है कि जो लाइन राहुल गांधी ने खींची, लेकिन राहुल गांधी अभी भी चूंकि बड़ी पार्टी है, वो तालमेल बना रहे हैं, वो मंदिर भी जा रहे हैं तो मजार भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, और वो ये तमाम मुद्दों को भी उठा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। ये बहन जी जो कर रही हैं, कांशी राम साहब और उसके बाद DS4 बाम सेब का नारा, बाबा साहब की लड़ाई, वो कहाँ खड़ी है? और रामचरितमानस विवाद पे बहन जी कहाँ खड़ी है? ये विरोधाभास है। और कम से कम उनके पूरे समाज में, चाहे वो SC ST का समाज हो, चाहे OBC समाज हो, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो गया है। मैं मानता हूं कि अभी वो इतनी तादाद में नहीं है कि वो इस लाइन पर वोट दे दे करके बीजेपी को हरा देगा, अभी इसका इम्तिहान होना बाकी है, लेकिन वो ये समझने लगा है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है। इसलिए वहां वो भी बसपा थोड़ी सी फिसड्डी होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी का अभी असली इम्तिहान बाकी है। हालांकि कुछ एक कदम उन्होंने जो उठाया है, चाहे वो कल दो दो अपने पार्टी की महिला नेत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना, जो कि पार्टी लाइन के बाहर थी, केवल ये रामचरित मानस मुद्दा और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलना नहीं, वो लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ खड़ी थी, ये काम करते हुए एक मैसेज दिया है। सदन में खड़े होकर सवाल पूछेंगे कि हम शूद्र हैं कि नहीं, उन चौपाइयों को मुख्यमंत्री पढ़े, इससे एक लाइन समाजवादी पार्टी लेती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी एक इम्तिहान बाकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का, जैसे भाजपा, अब इसका जवाब आपके सामने संजय जी यही है कि इस पूरे रामचरितमानस की डिबेट में बीजेपी फ्रंट फुट पर नहीं है। बीजेपी ऐसी पार्टी है ना, जो बड़े बड़े नोटबंदी हो, GST हो, चाहे अडानी का मामला हो, वहां से लेके आज तक वो छाती ठोक कर उनका प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल देता है, एक अकेला सब पर भारी है। मतलब पता नहीं वजन तोलने वाली मशीन लगी है या जमहूरियत है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि किस चीज पे भारी है भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। तो वो बीजेपी ऐसी पार्टी है, वो अपनी गलतियों पे भी कभी बैकफुट पर नहीं आती, वो फ्रंट फुट पर खेलती है। लेकिन ये जो जाति वाला मुद्दा है, बीजेपी इस पर कभी फ्रंट फुट पर नहीं खेलेगी, इसलिए मुझे ये उम्मीद दिखती है। और दूसरी बात ये कि जो सांप्रदायिकता का गुब्बारा भरा गया है ना, धीरे धीरे, मैं इस बहस को यहां ले जाना चाहता हूं संजय जी, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और इस सब के बाद, या चाहे SC ST OBC हो, चाहे वो अपर कास्ट के संविधान के मानने वाले लोग हो, एक बार सोचेंगे तो जरूर कि यार शिक्षा तो हमारे बच्चे की भी बर्बाद हो रही है, महंगाई का असर तो हमारे ऊपर भी हो रहा है, बेरोजगारी के तो हम भी शिकार हो रहे हैं। ये सब अगर मिलता है, यानी केवल जाति की राजनीति से काम नहीं चलेगा, और केवल ये महंगाई बेरोजगारी, इस पर बहुत चुनाव हुए, बीजेपी जीत जाएगी भाई अंत में, पता नहीं क्या क्या कर देगी, कौन सी गाड़ी कहाँ टकरा गई, कौन सी गाड़ी पलट गई, कौन सी EVM कहाँ चली गई, मैं तो उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। ये जो जो हो रहा है, इसलिए कम्बो करना होगा, विपक्षी दलों का इम्तिहान है। अगर आप जात की राजनीति कर रहे हैं तो धनंजय जी जो बात कह रहे थे, रविकांत जी जो बात कर रहे थे, उससे सहमत होते हुए केवल मैं जोड़ दूं कि हमें एक बड़ी अम्ब्रेला बनानी होगा तमाम उन जातियों को जिनकी नाक लंबी हो गई, दिल छोटा हो गया। मैं बार बार एक स्लोगन कहता हूं कि अगर आप वाकई कोई एका बनानी है तो थोड़ा नाक छोटी करके दिल बड़ा करना होगा। और तमाम अंतर विरोध है, जातियों के भीतर अंतर विरोध है, आपके हितों के अंतर विरोध है, अगर हम कोई एक बड़े अम्ब्रेला बनाते हैं, वो जाति जनगणना और जातिगत स्वाभिमान दोनों को जोड़ करके, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को जोड़ते हुए ये कह देंगे कि जे बरनादम तेल कुमारा, असली लड़ाई यही नहीं है, वो जो बरनादम में तेल कुमारा सपच करात कोल कलवारा है या शूद्र है, महिलाएं हैं भैया, 2023 में उनकी शिक्षा भी बिक गई, रोजगार भी बिक गया, जैसे ये कनेक्शन बनेगा तब मुझे लगता है सांप्रदायिक राजनीति का जवाब होगा। अन्यथा अंततः बीजेपी और RSS बहुत शातिर हैं, वो आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और हो सकता है फिर आपके हाथ से मैच छीन ले जाएं। इसलिए बड़ी तैयारी करनी होगी और मुद्दों की एका बनाकर
बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके कुछ होगा। बहुत शुक्रिया।